हमारे अरेंजमेंट को देखकर खुश हो जाएगा भाई। क्या तैयारी है बेटू? यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है भाई? क्या प्रॉब्लम है? ए, आज भाई का हैप्पी बर्थडे है। भाई आएंगे, केक काटेंगे, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से जाओगे। बेटू कोई आ रहा है? घर में करने वाला फंक्शन रोड पर क्यों कर रहे हो? हाँ गलत है ना? चलो निकालो 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 निकालो। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो भाई के केक काटने से पहले मैं तेरा गला काट दूंगा। ये सब पर तुम लोग ध्यान मत दो। अभी इसने मेरा हाथ पकड़ा है, थोड़ी देर बाद मेरा पैर पकड़ा। अरे मजाक कर रहा क्या? हाथ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, छोड़ो छोड़ो टूट जाएगा। कुछ नहीं, साइड में जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब तेरा भागने का इरादा क्या? कॉलेज जा रहा था इसलिए खरीदा है। पकड़ो, पहनना नहीं। ओके मैं आ रहा हूँ। निकलो। रोड पर बर्थडे मनाएगा? घर पे बर्थडे मनाने का रोड पे नहीं, समझा? भाई को बोल दे अपने, चल। हाय गाइस, हेलो। मैं तुम्हारा लेक्चरर नहीं हूँ ऐसा तुम लोग सोचो। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो ही नहीं ऐसा मैं सोचूंगा। हम सबको फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहना होगा। अगर ऐसा है क्या है, मैं बोल सकता हूँ? फ्रेंडली बिहेव करने के लिए कहा ना, इसलिए फिक्स हो गया। बोल सकते हो ना? बोल बोल ना सर। वो देखो मैं कह रहा हूँ ना, बोल बोल ना। सॉरी सर। सर मत बोल, सिर्फ सॉरी बोल, बैठ जा। क्यों रे, तू बोला क्यों नहीं? कुछ लोगों की पावर आंखों में होती है, अगर वो बोलने की परमिशन भी दे तो मुंह नहीं खोलना। बस कर डरपोक। पॉइंट पर आता हूँ, रोज क्लासरूम में बैठकर बोर हो जाओगे, इसलिए ये सेटअप करवा लिया। नई बातें, नए लोग, अलग सा एहसास मिलेगा, राइट? अगर इधर बोर हो गए तो कैंटीन रूम, कैंटीन में बोर हो गए तो म्यूजिक। अगर कैंपस में बोर हो गए तो मैं टीसी देकर भेज दूंगा। भेज दोगे? यू विल सेंड ब्रो, यू विल सेंड। अगर तुम्हें इस तरह छूट दी गई तो तुम हमें कॉलेज से ही भेज दोगे। मैंने कौन सी गलती की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन के बारे में सुना है? एन ओपन एयर स्कूल लेसन पढ़ा रहा था। आई रीड, ठाकुर इज मैच्योर राइटर। एग्जैक्टली, कम से कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना। अब्बा क्या बोला है, कितनी ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर। अरे यार, ये गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, लेकिन ये टैगोर गीतांजलि का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ये पूरे कॉलेज का हिला रहा है। हिला रहा हूँ, ऐसा कोई सोचना मत, कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अरे बापरे, इसने कैसे सुन लिया? अबे तू इतने जोर से बोल रहा था, सुनेगा नहीं कदे? ऋषि, तुमने शंकर अन्ना से पंगा लिया क्या? पंगा तो लिया है, लेकिन डिटेल्स पता नहीं, कौन है कौन है? शंकर अन्ना इस कॉलेज के चेयरमैन है, तुम्हें बुला रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें इस कॉलेज में रहना है तो, और अपना मिशन पूरा करना है तो शंकर अन्ना के साथ ठीक से रहना होगा। मिशन का नाम लेकर मेरे हाथ और मुंह बांधने की कोशिश कर रहे हो? तो मिशन क्या है पता चलने के बाद एक एक को देख लूंगा मैं। रुक, तू कष्ट क्यों कर रहा है? इसे तो मरना ही है, चल बे चल। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस का है? जिसके पास लाइसेंस नहीं उसकी गाड़ी में मैं नहीं बैठता। तूने कोई मर्डर कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। पीछे से अगर भाग गया तो? हाँ तू आगे चल, हम तेरे पीछे आते हैं। अरे बेवकूफ के चाचा, तू कभी स्कूल नहीं गया क्या? पता मालूम नहीं तो मैं आगे कैसे जाऊंगा?
आखिर मैं करूं क्या? सर है अन्ना, शंकर अन्ना, तू उस कॉलेज का लेक्चरर है तो मैं उस कॉलेज का चेयरमैन हूँ। वो कॉलेज ही नहीं, ये पूरा शहर मेरा है। आंखें नीचे कर, तू मेरे आदमियों को मारेगा। छोटे बड़े का फर्क पता नहीं है क्या तुझे? नहीं पता। हा? नहीं पता सर। चेयरमैन कौन है ये जाने बगैर तूने कॉलेज कैसे ज्वाइन कर लिया? मैं पता नहीं था सर, शंकर सर कॉलेज के चेयरमैन है ये पता था, लेकिन वो शंकर सर आप ही है ये नहीं पता था। क्या रे, बताया नहीं तूने? हमारे अन्ना आप है ये बताया था। तो फिर सर, अन्ना मतलब सर्वनाम, शंकर अन्ना मतलब नामवाचक यानी प्रॉपर नाउन। रोज कई जगहों से गुजरता हूँ, कितने लोगों के नाम याद रखूंगा। तुम लोग मिस्टेक तो करते ही हो, कम से कम ग्रामर मिस्टेक तो मत करो। चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं सिखा देता हूँ। अनपढ़ है सब, बेवकूफ कहीं के। अभी निकलू, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है सर, स्टूडेंट्स राह देख रहे होंगे। निकलू सर, चलता हूँ सर। अन्ना अन्ना बोल के शंकर अन्ना का नाम खराब कर दिया। इसको कैसे छोड़ दिया अन्ना? अरे चुप, जब देखो तब। अन्ना 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 अन्ना, कौवे की तरह काव काव करते रहते हो। सुना तुम लोगों ने, कितने प्यार से उसने सर कहा, तुमने सुना कि नहीं? मुझे नहीं पता सर, सच में नहीं पता सर, सच में नहीं पता। चलता हूँ सर। मेरी माँ, उसका सपना था कोई मुझे सर कहे, ऐसा वो सुनना चाहती थी, लेकिन बैड लक, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। माँ तुमने सुना ना, उसने मुझे प्यार से सर कहकर पुकारा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। घर के खाने का कोई जवाब? हाँ, जल्दी से शादी कर लो, रोज घर का खाना मिलेगा। एक सीक्रेट बात बताओ, मैं आजकल इसी काम में लगा हूँ। मालूम है कौन से काम में लगा रहता है, लेकिन काम पूरा भी तो होना चाहिए। लड़की थोड़ी शर्मीली है, इसलिए मैटर सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कल परसों में हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने लड़की देख रखी है? रोज ही तो देखते रहता हूँ, हमारे कॉलेज में है, नाम है विनीता। वो लड़की क्यों, रिश्तेदार? नहीं, वो तो बहुत संस्कारी लड़की है और बहुत प्यारी भी है। वो विश्वनाथ शास्त्री जी की बेटी है। इतना ही नहीं, वो तो मेरी होने वाली पत्नी भी है। संगीत और पढ़ाई के अलावा उसे किसी से मतलब नहीं है, मगर मेरे लिए तो वही मेरी दुनिया है। वो तेरी स्टूडेंट है, शर्म कर। हेलो, मैं जिससे प्यार करता हूँ इत्तेफाक से वो मेरी स्टूडेंट है? मैं स्टूडेंट से प्यार नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं कहाँ लेक्चरर हूँ, वो तो बॉस ने मुझे काम दिया इसलिए मैं इधर आया हूँ। इसमें गलत क्या है, इन्होंने भी तो मुझे कॉलेज में पसंद किया था। मेरा फुल सपोर्ट है, कर लो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ए आवाज मत करो, गुरुजी के आने का समय हो गया। दीर्घ आयुष्मान भव। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। ओम नमः स्वाहा। केशव, ओम केशवाय नमः। अगर तुम्हें प्यास लगे तो पानी पियो, उसे नहीं। बच्चों, भगवान के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। ठीक है गुरुजी। अरे केशव, क्या आदि तारम भैरवी रागम? हमारे लिए हर ताल हर राग एक ही है, शुरू कीजिए। क्या अद्भुत गाया है बेटा। आपने सुन लिया, आपने मेरा गाना सुन लिया? कौन हो बेटा तुम, बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफ कीजिए, मैं बाला सुब्रमण्यम की जैसे कैसे गा सकता हूँ, बाला सुब्रमण्यम मेरे जैसे गाते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश, हमारे कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर है। अच्छा, हिस्ट्री? और ये मामा जी, ये मुझे ऑलरेडी ट्रेन में मिला था, कितना सुनाया था इसने मुझे, पता है। आदि केशव कुछ बोलो ना, ये वही है ना? देखिए, शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने शायद किसी और को देखा होगा। हिस्ट्री मेरा कर्म है और संगीत मेरी जान है। मेरे दादाजी श्री श्री संग मतलब नटमल शास्त्री जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार मुझे पास बुला के कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी संगीत के विद्वान विश्वनाथ जी को अपना गाना सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उस परमात्मा में अपनी आत्मा मिला दी और उस विद्वान से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद वो यही कहीं आसपास होंगे। विश्वनाथ शास्त्री मेरे मामा है। ये है मामा जी। मामा जी, आप मुझे मिल गए। क्या कह रहे हो केशव, तुम्हारे मामा जी है तो मेरे मामा जी नहीं हुए क्या? कम से कम एक दिन तो आप मुझे। एक ही दिन क्यों बेटा, तुम्हारे पास जब भी समय हो आ जाना। दादाजी, विश्वनाथ जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं, वही गाना शुरू करते हैं। चल बेटी। अरे केशव, मैं बाला सुब्रमण्यम के जैसे कैसे गा सकता हूँ, वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। मेरे मामा जी को कॉमन सेंस और तुम्हें म्यूजिक सेंस नहीं है, मुझे पता है। अरे कैसेट मिल गया।
तुमने यूं ही कैसेट का सीक्रेट मुझे बता दिया। नो केशव नो। ऋषि मुनि। नहीं केशव। मामा जी मैं आ रहा हूँ। आप तो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते ना, ये गाना गाता है सुनिए। कैसेट गलत साइड लग गया। तो ठीक है दूसरा साइड लगा के देखो। अरे ये इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं। हीरो है तो दिल वाला फाइटर जिगर वाला एक्शन इमोशन वाला। रुको रुको तेरा रगड़ा दिलों में खलबली। अरे रुको 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 से सॉरी सॉरी सर। ले जाए दुपट्टा। ये नई आइटम कौन है यार। हेलो 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 रुको 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 बालिक सीनियर्स को गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी। गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्ट कहाँ है सर, नहीं बोलोगी। ओए हाथ उठा। तुम पर बाद में डालता हूँ, साइड में रहो। कहाँ है सर।